व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। केजीएफ मूवी हमने देखी, केजीएफ 2, और उसका ब्लॉग हमने डाला दीपक अहलावत चैनल पे, हमारे दूसरे चैनल पे। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि महबूबा गाने के ऊपर भी रिएक्ट करना, तो ये गाना हॉल में सुना था, इतना प्यारा लग रहा था ये गाना। और एक अलग ही बात है इस गाने की भी। तो अनन्या ने गाया गाना, अनन्या भट्ट ने। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, और आपको कैसा लगा गाना जरूर बताने। ऑडियो या वीडियो जब आएगी तो वीडियो पे भी जरूर रिएक्ट करेंगे। और चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। 1 2 3 गो। यही ड्रेस होती है ना जो लगी हुई है। Congratulations, I love you। हाँ, ऐसा बोला था। जब तक है ज़मीन, जब तक है आसमां, तुम मेरे ही रहो, बस इतना ही अरमां। तुझे बांध लूं मैं आंचल में, जैसे चांद रहे बादल में, जैसे चांद रहे बादल में। सजते हैं ऐसे जैसे सजनैन काजल में। हॉल में क्या लगती है ये आवाज, ये एक एको टाइप आवाज बन जाती है जब ये रात में चारों तरफ से आवाज आती है। इसने भी इसको ऐसे बोला था बिल्कुल फर्स्ट मीटिंग में। कांग्रेचुलेशंस, आई लव यू। तो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे बोला फर्स्ट पार्ट में, बोला था ना। हाँ, फर्स्ट पार्ट में। गुस्सा होता है पीछे से रख करती हूँ। ये भी चेंज होता है। देखो सीन तक याद है, वही चल रहा है माइंड में। मेरे साथ खेलते रहना। कभी दिल से लगा लेना। गाना अलग ही लगा, अलग ही लगा गाना भाई। मैं तो गलत पे गुस्सा करती है ना। वो गन लेके बैठी रहती है। इसी गाने के अंदर कितने अप्स एंड डाउन्स हैं। जैसे जब आते महबूबा आते तो वो एको टाइप आवाज आती है, और फिर स्लो जब चलता है वो एक रोमांटिक टाइप। मैंने जब ऐसे किसी बात पे गुस्सा कर रहा होता है, वो भाग के आके हक करते हैं, तो सब एकदम दूसरे भूल जाते हैं। और जब याद है जब ऐसी इसी गाने में उसको सिर्फ गोदी में रख के ऐसे सुला रही होती है, तो एकदम वो आते हैं उसके चाचा वाचा जो होते हैं, उसमें उसे ऐसे भगा देती है। ये बहुत प्यारा है। गाने सारे इस मूवी के बहुत हुए हैं। सच में बहुत प्यारा गाना है। और आवाज जो अनन्या की है ना, अनन्या भट्ट की, बहुत आवाज, बहुत ही प्यारी आवाज है, बहुत है ना। और म्यूजिक कॉम्पोजिशन कितना गजब है रवि बसरूर सर का। प्लस इस मूवी की खासियत पता क्या है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हो, जो पूरी मूवी का जितने गाने हो सारे ही हर तरीके से, मतलब एक्शन पैक्ड मूवी है। प्लस एक्शन पैक्ड के साथ जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जब आप मूवी एक दो बार देख ले होते हो, जब उसे घर पे देखते हो कई बार जैसे टीवी वगैरह पे, तो गाने कई बार आप स्किप करते हो, लेकिन इसके मुझे ऐसा लगता है इसको कोई भी गाना ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भी स्किप करके देखोगे। इस मूवी गाने जो फील सिनेमा हॉल में है ना, उसका 1% भी नहीं आती है ऐसे। हाँ, वो हॉल में भाई साहब वो बहुत ही प्यारा है। और जब सिनेमा हॉल में जब ये लाइन आती है महबूबा, जब आती है ना, क्या एको करती है आवाज, अलग ही माहौल। मतलब जो सामने वो जैसे चल रहा होता है ना, जो सीन चल रहा होता है, अरे भाई साहब नेक्स्ट लेवल। बहुत ही प्यारा। और ये मूवी सच में बहुत ही अलग हटके है। हाँ। अलग हटके इन द सेंस कि आपको ऐसे बांध के रखती है हर सीन में, मतलब क्या बताएं, मतलब आपको ऐसा मन नहीं करता कि मैं पॉपकॉर्न लेने चले जाऊं या मैं थोड़ा बाहर टहल के आ जाऊं या फिर आप आपस में गप्पे मार नहीं पाते हो यार। क्योंकि मतलब मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था कि हमने मूवी देखी कितनी 3 घंटे की है, 2.5-3 घंटे की मूवी है, बीच में हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं था कि बीच में कुछ फोन है या क्या, फोन हमने बिल्कुल साइलेंट और हम ऐसे थे स्क्रीन पे। वो कहते हैं ना कि एडिट भी मूवी इतने बढ़िया तरीके से हुई है और जो गानों का सीक्वेंस जो राइट टाइम पर आते हैं, आप मतलब चाहे सुल्तान गाना ले लो, चाहे आप ले लो वो कौन सा था सुल्तान तूफान हो गया, और चाहे वो फलक तू गरज तू, मतलब हर एक गाने की अलग ही वाइब्स है इस मूवी में और आपको बहुत मजा आएगा। और आई एम श्योर ये वीडियो देख के आपको ये वाला गाना सुन के भी मतलब जिसने मूवी देखी उसको याद आया होगा कि वो गाना कैसा लग रहा था स्क्रीन पे। मैं वही तो जैसे भी गाना चल रहा था तो मेरे माइंड में वही सीन चल रहे थे। जिसने नहीं देखी है जरूर देखना है, मूवी मस्ट वॉच मूवी है और बड़े पर्दे पे देखने के लिए मैं कहूँगा कि ये मेरी रिकमेंडेशन है, बड़े पर्दे पे देखो इस मूवी को, आपको खुद मजा आएगा। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।